नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैंकिंग नॉलेज में। इस वीडियो में जानेंगे NSDL पेमेंट बैंक के बारे में। यदि आप NSDL पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर लिए हैं तो आप NSDL पेमेंट बैंक का ATM कार्ड लेना चाहते हैं तो आप ATM कार्ड किस प्रकार से अपने घर पर मंगवा सकते हैं, आपको उसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा और आप उस ATM कार्ड की मदद से एक दिन में कितना मनी विड्रॉल कर सकते हैं, आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर से NSDL जिप्सी को इंस्टॉल कर लेना होगा। ये NSDL पेमेंट बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने ATM कार्ड को अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं, वो बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा पोस्टमैन के द्वारा। चलिए जानते हैं कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप NSDL में जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन हो जाइएगा। देखिए आप यहाँ देख पाओगे मेरा पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, हम इसमें लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। जैसे आप इसमें लॉगिन होगा कुछ इस प्रकार से उनका इंटरफेस नजर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको बोलेगा अपना एम पिन डालने के लिए, जो भी आपका एम पिन बनाए होंगे आप यहाँ पहले अपना एम पिन डाल दीजिएगा। चलिए हम अपना एम पिन डाल के इसमें लॉगिन हो जाते हैं। देखिए एम पिन डालने के बाद लॉगिन हो रही है, बोल रहा है प्लीज वेट, तो कुछ देर आप वेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ हो रहा है, उसके बाद देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं NSDL पेमेंट बैंक पे मोबाइल एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ आपको कई प्रकार के ऑप्शन नज़र आ जाएगी। पहले में है होम, उसके बाद दूसरा अकाउंट नंबर, तीसरा है UPI, उसके बाद पेमेंट। आप जैसे इसको स्लाइड कीजिएगा तो फिर आपको एक मिलेगा देखिए म्यूचुअल फंड, उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद और स्लाइड कीजिएगा फिर आपको मिलेगा कार्ड। आपको कार्ड के ऊपर आ जाना है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कार्ड, आपको इसी के ऊपर आना होगा स्लाइड कर करके। जैसे आप कार्ड के ऊपर आइएगा फिर कार्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आ जाएगा खुल के। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरा ओपन हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ बोल रहा है डिजिटल डेबिट कार्ड, आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो मेरा ATM कार्ड है वो डिजिटल है, तो आप यहाँ से इसे कैसे मंगवाएंगे तो आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए ऊपर में बोल रहा है यू कैन यूज डेबिट कार्ड फॉर ओनली शॉपिंग, बिल पेमेंट, रिचार्ज, ट्रेवल एंड मोर। अगर आप ATM कार्ड नहीं मंगाइएगा, केवल आप यहीं से इसका ऑनलाइन कीजिएगा, मतलब रहने दीजिएगा, तो ये केवल ऑनलाइन ATM कार्ड होगा और आप इस ATM कार्ड की मदद से केवल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। जैसे आप अगर Amazon, Flipkart, Snapdeal यहाँ से कोई ऑर्डर किसी चीज़ को ऑर्डर कीजिएगा और उसका पेमेंट आप ऑनलाइन कटाइएगा तो आप इस ATM कार्ड की मदद से आप कटा सकते हैं, आपका पेमेंट कट जाएगा। या फिर आप रेलवे टिकट बुकिंग कीजिएगा, किसी को फॉर्म भरिएगा किसी प्रकार की जो एग्जाम या फिर जॉब का फॉर्म आता है, तो अगर आप पेमेंट कटाइएगा तो वहाँ भी आपका पेमेंट कट जाएगा। ये केवल डिजिटल ATM कार्ड की मदद से आप कटा सकते हैं। यदि आप इसी ATM कार्ड को फिजिकल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं बाय पोस्ट, और उस ATM कार्ड की मदद से आप किसी ATM मशीन में जाकर, चाहे वो एक्सिस बैंक का हो, SBI का हो, बैंक ऑफ इंडिया का हो, किसी भी बैंक का ATM मशीन हो, तो आप उससे पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको ये फिजिकल ATM कार्ड आपको घर पे मंगाना पड़ेगा। मंगाने के लिए आपको देखिए नीचे नज़र आ रही है आपको रिक्वेस्ट फॉर फिजिकल कार्ड, आप यहाँ देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर फिजिकल कार्ड टू विड्रॉल कैश शॉप एट योर फिजिट फेवरेट स्टोर, आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो इसके लिए अप्लाई करना होगा। चलिए हम आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देते हैं। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से उनका इंटरफेस नज़र आ जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं NSDL पेमेंट बैंक, उसके बाद आपका जो कार्ड डिटेल होगा वो कार्ड डिटेल से हो जाएगा, उसके बाद आपका नाम जो होगा नाम से हो जाएगा, उसके बाद आपका एक्सपायरी डेट जो भी होगा वो शो हो जाएगा, उसके बाद वो किस प्रकार का ATM है, तो मेरा वीजा है, या फिर आपका अगर रुपये होगा तो रुपये यहाँ लिखा होगा, अगर वीजा होगा तो वीजा लिखा होगा। उसके बाद ऐसा ही सेम ATM कार्ड आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, आप यहाँ पहले देख लीजिएगा। उसके बाद इसका जो चार्ज होगा वो देखिए इशू चार्ज आपको दिखा रहा है डेबिट कार्ड चार्ज, आप नीचे देखिएगा डेबिट कार्ड चार्ज, उसके बाद इशू चार्ज 300 रुपया प्लस GST, आप यहाँ देख पा रहेंगे जब आप इस कार्ड को जारी कीजिएगा तो जो सबसे पहला चार्ज आपको लगेगा ATM कार्ड को आपने घर पे मंगाने के लिए, तो वो आपको 300 रुपया प्लस GST देना होगा, आपके अकाउंट में पहले रखना होगा NSDL पेमेंट बैंक अकाउंट में, वो एक माह से डेबिट कर लेगा तभी आपके ATM कार्ड घर पे एक सप्ताह के अंदर में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। फिर यहाँ बोल रहा है एनुअल चार्ज,
आप जब उस एटीएम कार्ड को मंगवा लीजिएगा अपने घर पे और कंटिन्यू एक साल तक उसको यूज करते रहिएगा, तो जो अगले साल आपको चार्ज लगेगा उसे एनुअल चार्ज कहते हैं, तो वो चार्ज आपको 300 रुपया प्लस GST लगेगा, वो एनुअल चार्ज के रूप में आपके अकाउंट से फिर अगले साल जो कटेगा वो 300 रुपया प्लस GST कर जाएगा, उस ATM कार्ड को यूज करते रहिएगा। आपको इसके ATM कार्ड पे कई प्रकार के ऑफ़र भी देखने को मिलेगा, जो ऑफ़र होगा वो यहाँ शो होते रहेगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ स्लाइड हो रहा है, देखिए जोमेटो की तरफ से कुछ ऑफर निकल के आई है, फिर मंत्रा की तरफ से कुछ ऑफर निकल के आई है, तो आप उनका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको मंगाने के लिए फिर आपको प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो प्रोसीड टू पे के ऊपर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए टोटल पेमेंट जो है वो 354 रुपया कट रहा है, 300 रुपया ATM कार्ड और प्लस GST 54 रुपया, तो 354 रुपया आपको यह पेमेंट अभी करना होगा, तभी आप ऐसे ATM कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए हम आपको प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करके दिखाते हैं। देखिए मेरे अकाउंट में अभी 0 रुपया बैलेंस है, तो हम इसे नहीं मंगवा सकते। अगर आपके अकाउंट में होगा तो आप जैसे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, और उस OTP के माध्यम से जैसे OTP फिल कर दीजिएगा, फिर आपका ATM कार्ड डिलीवर आपके घर पे 7 दिन में कर देगा और आपके अकाउंट से बैलेंस काट लेगा 354 रुपया। तो कुछ इस प्रकार से आप NSDL पेमेंट बैंक के ATM कार्ड को अपने घर पे मंगवा सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।